मैम गाली नहीं दे सकते, वो हमारे देश के प्रधान, हम गाली नहीं दे सकते। बीजेपी ने दिल्ली का बेड़ा गड़ा कर दिया इसने, बीजेपी ने दिल्ली, क्योंकि मैं नैना देवी माता को मानता हूँ, राम को नहीं मानता, नैना देवी माता को मानता। 2024 के बाद में देखना सारे बीजेपी वाले जेल में मिलेगा आपको, सारे बीजेपी वाले, जब इलेक्शन आएगा ना तब हिंदू खतरे में आएगा। योगी पहले डकैती करता था, योगी ने बच्चे बीवी मार दिए अपने 1990। ऐसे ही चलता रहेगा तो ये देश आने वाले 2024 के चुनाव के बाद में नॉर्थ कोरिया बन जाएगा। योगी ने राम को लात मारी और अमित शाह के लड़के ने तिरंगा फेंका था पिछली बार। केजरीवाल सोनिया गांधी से बात करेगा 2 महीने में, राहुल गांधी से बैठ के। मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ का भी हो, जो लोग जनता के लिए इतना बढ़िया काम कर रहा है वो 500 करोड़ मकान में रहे, बीजेपी का मुख्यालय 200 करोड़ का। तो आज ये रामलीला में केजरीवाल जी का आना हुआ था, केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे से भाषण दिए। मेन मुद्दा क्या था कि इधर केजरीवाल ने क्यों बोला, क्योंकि जब इस देश का संविधान बनाया गया था ना, तो बाबा जो बाबा साहब राव अम्बेडकर है, जो भी एक वजह समझ आ गया ना आपको, उन्होंने बोला था कि ये जो देश है ना ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, इस देश में जो भी देश की चुनी हुई सरकार होगी वो काम करेगी और कुछ इसमें जो जनता ही सरकार को चुनेगी। अब ये क्या कर रहा है, ये देश को डेमोक्रेसी की जगह ब्यूरोक्रेसी से चलाने की कोशिश कर रहा है। कौन? मोदी सरकार। अच्छा। ब्यूरोक्रेसी से चला सकते, अगर ब्यूरोक्रेसी से देश चलना था तो 31 गवर्नर मिलकर देश चला लेते, क्या जरूरत है इलेक्शन करवाने की। क्लियर सी बात है ना, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो ये देश आने वाले 2024 के चुनाव के बाद में नॉर्थ कोरिया बन जाएगा। तो आपको पता है नॉर्थ कोरिया क्या हाल, क्या हाल है, क्या हाल है? उधर के उधर इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन नहीं होता नॉर्थ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन ही नहीं होता, वहाँ पे लड़कियों पे कितनी पाबंदियाँ हैं। तो ठीक है, तो आप नॉर्थ कोरिया से कंपेयर करेंगे इसको, इंडिया बन जाएगा ये? अरे इंडिया भारत पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। मैडम जी परचम अंदर क्या हो रहा है, बाहर से क्या मतलब, अंदर तो देखो क्या हो रहा है, नौकरी नहीं है पास में, नौकरी हमें चाहिए नौकरी। क्या नाम? सुनो मेरा नाम मुकुंद है मैडम। मुकुंद क्या? मुकुंद मिश्रा। मुकुंद मिश्रा, अरे मिश्रा जी आपके लिए तो राम मंदिर बना दिया। हमें चाहिए नहीं राम मंदिर मैम, एक हॉस्पिटल बन जाए, एक हॉस्पिटल बन जाए और अच्छे पढ़े लिखे पढ़ाई लिखाई के लिए। योगी ने योगी ने राम को लात मारी और अमित शाह के लड़के ने तिरंगा फेंका था पिछली बार। अमित शाह के लड़के लात कब मारी, कुछ भी बोलेंगे। हाँ लात कब मार दी राम जी को, राम को लात मार दिया योगी ने, कुछ भी कुछ नहीं करा। योगी पहले डकैती करता था, योगी ने बच्चे बीवी मार दिए अपने 1990। बच्चे कब थे भाई, उनको बच्चे, वो तो योगी है, वो तो संत है, योगी तो सड़ा हुआ इंसान है, योगी तो सड़ा हुआ है वो तो। योगी से मैं, आप जाएंगे जेल। मेरा नाम है सुनील कुमार खुराना, मैं पंजाबी खतरू में रहता हूँ मंगोलपुरी। मतलब एड्रेस भी दे रहे हैं कि मुझे उठा लो आगे। हाँ बीजेपी ने दिल्ली का बेड़ा गड़ा कर दिया इसने, बीजेपी ने दिल्ली का बेड़ा। बीजेपी में केजरीवाल सरकार है तो बीजेपी का क्या बोले? केजरीवाल चाहता है फिर वो कांग्रेस हमारे साथ आ जाए मोदी को भगाने के लिए। केजरीवाल सोनिया गांधी से बात करेगा 2 महीने में, राहुल गांधी से बैठ के। तिलक लगा के रुके हुए हैं, तिलक लगाया है इन्होंने, अच्छा खासा राम मंदिर हिंदू राष्ट्र बन रहा है, आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि मैं नैना देवी माता को मानता हूँ, राम को नहीं मानता, नैना देवी माता को मानता, दुर्गा माता को। देखो सुनो, सिर्फ सारा कुछ नहीं है, एक बात बोलना चाहूंगा, 2024 में सारे जने मिलके केजरीवाल को वोट करो, 2024 के बाद में देखना सारे बीजेपी वाले जेल में मिलेगा आपको, सारे बीजेपी वाले एक एक नेता मिलेगा। ये देश में फेडरल सिस्टम में कुछ ही होता है, ये लोग फेडरल सिस्टम को मान ही नहीं रहे, क्या होता है? अरे किसी को धर्म चाहिए, हिंदू राष्ट्र तो आपका बन, धर्म से क्या होता है, एक बात अमेरिका में कितने जिहाद हो रहा है यहाँ लोग पढ़े, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे, आप सुनो आप लड़की हो पढ़ी लिखी हो, आप तो नहीं आओगे इनकी बातों में, अनपढ़ लोग तो आएंगे बातों में, जिहाद नहीं हो रहा है मिश्रा जी, तो वो अनपढ़ लोग है ना, हम तो नहीं आते, लव जिहाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो वो अनपढ़ लोग है, आप पढ़ी लिखी लड़की हो, आप किसी बातों में मुसलमानों को भगाना चाहिए या नहीं? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, वो भी एक मुस्लिम थे, अब हम ये नहीं कहते हर मुसलमान खराब है, हर मुसलमान अच्छा है, लेकिन सारे हिंदू तो अच्छे हैं, सारे हिंदू, मैं बताऊँ क्या, तो सुनो मैं मुद्दा कुछ नहीं है, जब इलेक्शन आएगा ना तब हिंदू खतरे में आएगा, अब मुस्लिम बढ़चा बोले इलेक्शन के बाद सब सेफ हो जाएगा, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। केजरीवाल जी का सिर्फ एक कहना है, स्कूल खोलेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अभी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करा है केजरीवाल जी ने, उसमें क्या बोला है कि मोदी जी की फोटो लगा दी, जबकि मोदी जी ने करा कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी में करा मोदी जी ने, उन्होंने कहा एलजी से करवाए, उन्होंने जो अतिशी जो थे उन्होंने कहा एलजी बोल रहे हैं हम रिबन काटेंगे उद्घाटन करेंगे। अब वो है ना, वही बात है कि काम हम करें नाम कोई और ले जाए, अतिशी जी कह रहे भाई केजरीवाल जी को सुनो, एक इनकम टैक्स में कमिश्नर थे ठीक है, उन्हें केजरीवाल ही है, सुनो उन्हें पैसे प्यार नहीं, केजरीवाल जी को जनता बोलती है 45 करोड़ करोड़ों का घर बना लिया,
मोदी जी कहाँ रहते हैं? झोपड़ी में? झोपड़ी में रहते हैं? 15 लाख का पर्दा है। जो वो घर है 45 करोड़ रुपए का, मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ का भी हो, जो लोग जनता के लिए इतना बढ़िया काम कर रहा है वो 500 करोड़ मकान में रहे। बीजेपी का मुख्यालय 200 करोड़ का, अभी मैं आपको एक दिखाऊंगा नड्डा साहब का वीडियो। नड्डा साहब बोल रहे हैं कि हमने 512 जो है क्या नाम है बीजेपी के मुख्यालय बनाए हैं। तो आप मुख्यालय बना क्या करोगे जनता के लिए? आप स्कूल बनाओ। हमें राम मंदिर नहीं चाहिए। राम मंदिर के लिए भी कितने घोटाले हुए हैं, जो जो अंदर ही अंदर हमें भारत तक नहीं पता। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। मोदी जी सुनो, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ठीक है। हम आम आदमी पार्टी से जो केजरीवाल जो हमें लोग को सुविधा दे रहे हैं, वो सुविधा बता रहे हैं। नहीं मैम, गाली नहीं दे सकते, वो हमारे देश के प्रधान, हम गाली नहीं दे सकते। उनको उनको लग रहा है कि गाली देने से भड़ास निकल रहा है, तो क्या नहीं, हम गाली पर हम विरोध करेंगे, हम उनका विरोध कर रहे हैं। हमें नहीं, नहीं हम बोलेंगे, हम उनका विरोध कर रहे हैं मैडम। गाली किसी राजनेता को नहीं दिया जाएगा। आपको कितने रुपए यूनिट देना पड़ रहा है? हमें हमारे तो क्या 200 यूनिट फ्री है, उसके बाद जो आता है तो सब। अपना घर है? हाँ मेरा घर है। अभी आप